हेलो गाइस, आज जो बताना है इंडसई बैंक का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे निकालना। क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट बहुत जरूरी रहते। दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करे तो आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देना पड़ता। इंडसई बैंक का जो मोबाइल ऐप से आपको बताएंगे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे निकालना। स्टेटमेंट निकालने के बाद PDF का क्या पासवर्ड है वो भी आपको जानकारी देंगे। क्रेडिट कार्ड का जो ऑनलाइन पेमेंट करते पर क्रेडिट कार्ड का बैंक से पेमेंट करते क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकालने के बाद आपको पूरा डिटेल्स मालूम पड़ता। क्रेडिट कार्ड दूसरा बैंक का अप्लाई करने जाए तो आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जरूरी है। क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे निकालना आपको पूरा बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टैग टिप विश्वजीत। इंडसई बैंक का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कहाँ पर भी जाने का जरूरत नहीं पड़ते, घर में बैठ के कैसे निकालना पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिए, चलिए शुरू कर रहा हूँ। गाइस, मैं फ़ोन में आ गया। फ़ोन में आने के बाद इंडसई बैंक का जो मोबाइल ऐप्स लॉगिन करके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे निकालना वो पूरा प्रोसीजर आपको लाइव बताएंगे। इंडसई बैंक का जो मोबाइल ऐप से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके आपको बताएंगे। यहाँ पे लॉगिन बोल के जो लिखे सो आ रहे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद इंडसई बैंक का जो मोबाइल ऐप्स का MPIN यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लीजिए। मैं MPIN डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। गाइस देखिए, इंडसई बैंक का मोबाइल ऐप्स मैं लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद गाइस देखिए, मेरा इंडसई बैंक पे मेरा अकाउंट नहीं है। इंडसई बैंक का मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। गाइस देखिए, मेरा जो इंडसई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से मैं मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करा। इंडसई बैंक का जो मोबाइल ऐप्स का हॉट फ्यूचर मैं यूज करता हूँ। मेरे पास इंडसई बैंक का अकाउंट नहीं है, तो इंडसई बैंक का जो मोबाइल ऐप से मैं लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद नीचे देखिए, गाइस देखिए, कार्ड बोल के लिखे सो आ रहे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद जैसा आपका अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है बोलो तो आपको डेबिट कार्ड सिलेक्ट करना पड़ता। तो मेरा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकालना है, मैं क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। गाइस सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाते। आपका जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है यहाँ पे आ जाते। क्रेडिट कार्ड जो नाम पे है यहाँ पे बता देते। आप CVV नंबर भी यहाँ से देख सकते। तो मेरा यहाँ पे डिटेल्स पूरा दे दिए, क्रेडिट कार्ड का कितना बैलेंस है, क्रेडिट कार्ड का कितना यूज कर लिए, क्रेडिट कार्ड का कितना लिमिट है, कितना मिनिमम पेमेंट करना है, कौन सा डेट पे बिल पेमेंट करना है, पे हर चीज यहाँ पे पूरा दे दे रहे। तो यहाँ पे पूरा आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद मैनेज बोल के लिखे सो आ रहे यहाँ पे मैनेज को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए ई स्टेटमेंट रिक्वेस्ट बोल के आ रहे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। पेज पे आने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड नंबर है यहाँ पे बता देता। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड 2 है 3 है, जितने भी आपका क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे बता देते। यहाँ पे जो तीर का एक निशान आ रहे यहाँ पे सिलेक्ट करे तो जैसे 3-4 आपका क्रेडिट कार्ड रहे तो यहाँ पे आपको बता देता। मेरा एक ही क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर आ जा रहे। सर नीचे देखिए, इंडसई बैंक का जो क्रेडिट कार्ड मैं लिए थे वो टाइम पे जो मैं ईमेल आईडी डाले थे यहाँ पे ईमेल आईडी आ गया। ईमेल आईडी एक बार चेक कर लीजिए, आपका ईमेल आईडी है क्या, दूसरे का है, एक बार चेक कर लीजिए। मैं जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करा था वो टाइम पे जो ईमेल आईडी दिए थे यहाँ पे आ गया। उसका नीचे देखिए, प्लीज सिलेक्ट स्टेटमेंट मंथ एंड ईयर बोल के लिखे सो आ रहे। यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट करना पड़ता, कौन सा महीने का आपको स्टेटमेंट होना है यहाँ पे महीना सिलेक्ट करना पड़ता। उसके बाद आपको साल सिलेक्ट करना पड़ता, कौन सा साल का स्टेटमेंट होना। यहाँ पे देखिए, मंथ सिलेक्ट करे तो यहाँ पे हर मंथ आपका आ जाता। यहाँ पे 12 महीना जो रहते 12 महीना यहाँ पे आ जाता, कौन सा महीने का आपको स्टेटमेंट होना यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं जनवरी महीना मैं सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साल सिलेक्ट करना पड़ता, कौन सा साल का आपको स्टेटमेंट होना है। जब से आप क्रेडिट कार्ड लिए तब से यहाँ पे पूरा साल यहाँ पे कौन सा साल का आपको स्टेटमेंट होना है यहाँ पे बता दे रहे। मेरा 2022 का जनवरी महीने का स्टेटमेंट होना है। मैं साल 2022 सिलेक्ट कर लिए, महीना जनवरी महीना सिलेक्ट कर लिए। सब डन कर रहा हूँ। डन करने के बाद नीचे देखिए सबमिट बोल के लिखे सारे यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको जो मोबाइल बैंकिंग का MPIN है यहाँ पे MPIN डाल दीजिए। गाइस मैं MPIN डाल दिए। गाइस देखिए, मेरा मैसेज भी यहाँ पे आ गया, मेरा स्टेटमेंट मेरा ईमेल आईडी पे आ गया बोल के मैसेज दे दिए। गाइस देखिए, मेरा सक्सेसफुली मेरा स्टेटमेंट मेरा ईमेल आईडी पे आ गया। गाइस देखिए, इंडसई बैंक में ये स्टेटमेंट जो रिक्वेस्ट मैं डाला, स्टेटमेंट सक्सेसफुली मेरा ईमेल आईडी पे आ गया। तो यहाँ पे मैसेज भी दे दिए, तो यहाँ पे बाता भी दे रहे, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल बोल के यहाँ पे बाता भी दे रहे। यहाँ पे आपको रसीव नंबर भी आपको मिल जा रहे, आप जो स्टेटमेंट रिक्वेस्ट डाले यहाँ पे रसीव नंबर भी आपको यहाँ पे दे रहे। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए।
ओके करने के बाद मैं बैक चला जाता हूँ। बैक आने के बाद मेरा ईमेल आईडी पे जाके मेरा स्टेटमेंट आया क्या नहीं आया वो भी आपको बताएंगे। पीडीएफ का क्या पासवर्ड है, स्टेटमेंट ओपन करने के लिए आपको पीडीएफ पासवर्ड डालना पड़ता, पासवर्ड डाले तो ही आप ओपन कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते, आपका ओपन ही नहीं होता। तो पीडीएफ का क्या पासवर्ड है वो भी आपको बताएंगे। मैं बैक चला जा रहा हूँ, बैक जाके आपको ईमेल आईडी में बताएंगे। गाइस देखिए मैं ईमेल आईडी पे आ गया। ईमेल आईडी पे आने के बाद यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड ई स्टेटमेंट डॉट इंडस्ट्री बैंक बोल के यहाँ पे ईमेल आ गया। तो यहाँ पे मेरा जो ईमेल आया है मैं ओपन कर रहा हूँ। गाइस देखिए मैं ओपन करा, ओपन करने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड का पूरा यहाँ पे नंबर नहीं दे रहे, आपका लास्ट का चार नंबर ही दे रहे। कब से कब तक आप स्टेटमेंट मांगा है यहाँ पे डेट भी डाल दे रहे, यहाँ पे डेट भी आप चेक कर सकते। नीचे आने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ईमेल आईडी पे आए, पीडीएफ का क्या पासवर्ड है यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिए से एकदम नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए एक का बाद एक स्टेप यहाँ पे दे दिए। पासवर्ड क्या है आपका, कैसे आप डालना यहाँ पे पूरा डाल के बता दिए। ये पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए, आपका जैसा नाम है उसका हिसाब से आपको पासवर्ड रहता। आपका जो नाम का छोटा अक्षर में चार अक्षर डालना, उससे बाद आपका डेट डालना पड़ता, उससे बाद आपका मायना डालना पड़ता, साल नहीं डालना। पूरा यहाँ पे डिटेल्स दे दिए, एकदम नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखिए कस्टमर केयर का नंबर भी दे दिए, जैसे इंडस्ट्री बैंक में कस्टमर केयर नंबर यहाँ पे दे दिए, कस्टमर केयर से बात करके भी पासवर्ड मालूम कर सकते। तो नीचे आ जाइए एकदम, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पीडीएफ जो फोल्डर है यहाँ पे आ गया, पीडीएफ को सिलेक्ट करिए। गाइस देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना के लिए बोर्ड है, पासवर्ड नहीं डाला तो ओपन नहीं होता। आपका जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट मंगाया वो स्टेटमेंट कुछ काम का ही नहीं है, वो पासवर्ड मालूम पड़ना पड़ता, पासवर्ड नहीं मालूम रहे तो आप ओपन ही नहीं कर सकते। पासवर्ड क्या है आपको बता दिए, वहाँ पे डिटेल्स भी आपको बता दिए। आपका जो नाम है पहला चार अक्षर छोटा में डालना, उससे बाद का डेट डालना मायना डालना, डालने के बाद ओपन करिए ओपन हो जाता। जैसा मेरा नाम विश्वजीत है BISW में डाल दिए, उससे बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ का जो डेट है मैं डाल दिए, उससे बाद मायना मैं डाल दे रहा हूँ। गाइस देखिए डेट ऑफ बर्थ का मायना भी डाल दिए, नाम का चार अक्षर डालना, डेट डालना, मायना डालना, मैं यहाँ पे डाल दिए। गाइस नीचे देखिए गो बोल के लिखे सारे यहाँ पे गो कर दीजिए। गाइस देखिए मेरा क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट मेरा ओपन हो गया, तीन पेज पे आ गया, एक महीना का स्टेटमेंट मेरा तीन पेज पे आए। यहाँ पे आप जूम करके ये पूरा आप देख सकते हैं, जैसा आपको निकलना नहीं है, आपको स्टेटमेंट जरूरत नहीं है, क्या चार्जेस काटे, कितना मैं पेमेंट करा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप चेक करने के लिए भी स्टेटमेंट निकल के आप चेक कर सकते। गाइस आपको लाइव बता, इंडस्ट्री बैंक का जो मोबाइल ऐप से इंडस्ट्री बैंक का जो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कैसे निकालना पूरा वीडियो में बताया। तो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जरूरी रहते, जैसा दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाह रहे, जैसा इंडस्ट्री बैंक है, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कौन सा भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाह रहे को स्टेटमेंट का जरूरत पड़ते, तो आप स्टेटमेंट जैसा जो बैंक का लिमिट ज्यादा है, जो बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते जिसका लिमिट ज्यादा है उसका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कभी भी देना, जिसका लिमिट कम है उसका कभी भी नहीं देना, जो न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते उसका अंदर डालना, तब आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट थोड़ा बाढ़ के मिलते। अब जितना काम देते उतना आपका काम देते, जैसा आपका 3 लाख का लिमिट बोले तो वो 2 लाख ही आता, जैसा 1 लाख आपका लिमिट बोले तो आपका 60-70 हजार ही आते। जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट ज्यादा है वही क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकाल के देना न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। गाइस पूरा वीडियो में आपको बताया इंडस्ट्री बैंक का जो मोबाइल ऐप से क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कैसे निकालना एक का बाद एक स्टेप आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय, टेक केयर।